अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मिसेस खान और खैर मकदम है आपके अपने चैनल मिस्टर एंड मिसेस खान में। आज मैं बनाने वाली हूँ लंच के लिए लजीज वेज तहरी, जो ना ज़्यादा हैवी है और ना ही ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। थोड़े समय में आप इसे बना सकते हैं। तो हम तहरी बनाना शुरू करते हैं। हम गैस के फ्लेम को ऑन करके कुकर चढ़ा लेते हैं। इसमें हम डालते हैं लगभग 50 ml कुकिंग ऑयल। ऑयल को गर्म होने पर डालते हैं कुछ खड़े मसालों का फ़ौरन, जैसे हाफ टेबल स्पून ज़ीरा, दो तेज़पत्ता, दो हरी मिर्च, चार छोटी इलायची, लौंग, एक दालचीनी का टुकड़ा। इन सभी मसालों को तेल में थोड़ा गर्म होने के बाद इसमें डालेंगे एक बड़े साइज का प्याज स्लाइस कटा हुआ। प्याज जब हल्का ब्राउन हो जाए तो आप इसमें कुछ सब्जी काटकर डाल सकते हैं, जैसे मैंने डाले हैं बीन, एक कटोरी मटर, चार आलू के छोटे छोटे टुकड़े, और इन सबको प्याज के साथ थोड़ा फ्राई कर लेते हैं। और हम डालेंगे इसमें दो चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट, एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर और दो चॉप टमाटर और नमक। नमक आप अपने हिसाब से डालेंगे। इन सबको हाई फ्लेम पर दो तीन मिनट तक पकाते हैं। अब इसमें डालेंगे दो गिलास चावल, जिसे मैं धोकर रेडी कर रखी हूँ। और इसे अच्छी तरह से मिलाने के बाद इसमें डालते हैं चावल का डबल पानी। मैंने पानी लिए हैं चार गिलास। इन सबको डालकर हम कुकर को बंद कर लेंगे और 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर दो सीटी लगने दें। इसके बाद गैस को बंद कर दें, दो तीन मिनट तक ऐसे ही रहने देंगे। इसके बाद अब हम ढक्कन खोलते हैं। माशाल्लाह, ये तहरी हो चुका है बिल्कुल तैयार। ऊपर से अब हम कटा हुआ हरा धनिया डालकर मिला देते हैं। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। आज हम सब लंच में यही खाने वाले हैं, टमाटर की चटनी और सलाद के साथ। तो आप इसे ट्राई ज़रूर करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि कैसी लगी ये रेसिपी। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।